नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी व लॉकडाउन से परेशान गरीब मजदूरों को प्रदेश सरकार द्वारा राशन मुहैया कराया जा रहा है, जिससे गरीबों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन कुछ राशन डीलरों की मनमानी के चलते सरकार की योजनाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है और राशन डीलर खुलेआम गरीबों के राशन पर डाका डालने में लगे हैं। ग्रामीणों द्वारा दबंग राशन डीलरों की कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या जस की तस है, जिससे गरीबों के सामने भारी संकट खड़ा है। धामपुर तहसील के ग्राम हरेवली के ग्रामीण बबीता रानी, प्रिया देवी, सुमन, बाला, कमला, पूनम आदि तमाम महिलाओं ने आज धामपुर तहसील मुख्यालय व क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पर हंगामा करते हुए विरोध प्रदर्शन कर राशन डीलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि गांव का राशन डीलर करण सिंह पात्र लोगों को राशन नहीं दे रहा, जिससे ग्रामीणों के सामने भारी संकट खड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वह राशन लेने जाते हैं, तब वह गाली गलौज व अभद्रता पर उतारू हो जाता है और अपनी दबंगई पर बिना राशन दिए वहां से लौटा देता है, जिससे गरीब लोग अनाज के एक एक दाने से परेशान है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गरीब रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे कुछ लोगों के राशन डीलर ने अधिकारियों की मिलीभगत से उनके कार्ड तक निरस्त करवा दिए, जिससे उनके सामने भूखों मरने की स्थिति बनी है। ग्रामीण महिलाओं ने क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी से जांच कराकर दबंग डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आपका प्रिया देवी, कहाँ जाए आप लोग? हरेवली सर। क्या समस्या? अनाज नहीं दे रहे हमें करण। करण कौन है? डीलर है करण। हरेवली के राशन डीलर? हाँ। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कुछ भी कर लो, चाहे जो तुमसे हो वो कर लो, हम नाज नहीं देने के।